पर्वतीय क्षेत्रों में शराब की फैक्ट्री लगाए जाने पे काफी समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब हरिद्वार में भी शराब की फैक्ट्री को लगाने पे स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं अब आंदोलन को मात सदन आश्रम का भी समर्थन मिल रहा है। देवभूमि सिविल सोसाइटी के देवपुरा तिराहे पर किए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने मात सदन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद भी पहुंचे। मात सदन के संत लंबे समय से गंगा और पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन करते आए हैं। इस दौरान स्वामी शिवानंद ने सरकार पर जमकर हमला भी बोला। आज हमें इस आंदोलन तेज करने के लिए एक महान जो क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं लंबे समय समय से माँ गंगा को बचाने का और खनन माफियाओं के लिए जो एक जवाब है, ऐसे मात सदन के अध्यक्ष शिवानंद जी गुरुदेव जी का आज आशीर्वाद प्राप्त मिला। 21वें दिन आके उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उन्हें ये कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए आज हमें आंदोलन में और तेजी करने की जरूरत है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष अगर हमें ज्ञान देंगे और हमें आशीर्वाद देंगे तो वाकई हमें लड़ने की शक्ति मिलेगी। और माँ गंगा के चरणों में तो हम ये कहते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दे कि माँ ऐसे मुख्यमंत्री जो देवों की नगरी में ये शराब की फैक्ट्री लगा रहे हैं तत्काल बंद करें, उन्हें भी इस गंगा माँ में ही मिलना है। हम तो सीधा कहते हैं अब भी समय है, जाग जाओ, इस गरिमा को बना के रखो, ये देवों की नगरी है। यह बहुत ही स्वागत योग्य। और दूसरी बात, इस सरकार को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कहते हो कि देवभूमि है, कहते हो कि यहाँ भारतवर्ष के तीर्थयात्रियों को आमंत्रित करते हो। जब 2013 में आपदा आया, तीर्थयात्री नहीं आने लगे तो सबका सबकी जो हालत खराब हुई पूरा विश्व जानता है। उस समय सबको तुम आमंत्रित करो और यहाँ आमंत्रित करके तुम लोगों को शराब पिलाओगे या जिस होटल में एक तीर्थयात्री टिका हुआ है उसी होटल में शराब चलेगा, उसी होटल में एक शराबी रहेगा तो तीर्थयात्री के मन में क्या भावना जाएगा? तो इस ढंग से आघात मत करो और ये मत समझो कि तुम्हारी जो आद्य भौतिक बुद्धि है जिसमें केवल तथाकथित विकास रूपी विनाश है, भोगवादी संस्कृत है, वही केवल है। उससे परे आंतरिक जगत में रहने वाला जो यात्री है, तीर्थयात्री है, सात्विक व्यक्त है, धार्मिक व्यक्त है, देवत्व का आवास है, उसे तुम्हारा पहुंच नहीं है तो वह उसकी स्तुति नहीं है। शराब को लेकर पूरे उत्तराखंड में अक्सर विरोध प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन अब देखना होगा कि हरिद्वार में हो रहे प्रदर्शन से प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं और स्थानीय लोगों की समस्या का कोई समाधान प्रशासन निकालता है या नहीं।